शरीर को जब धूप मिलती है तो वो अपने आप ही उसमें मौजूद कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बना लेता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इतना धूप में निकलते ही नहीं है कि शरीर को विटामिन बनाने के लिए सूरज की किरणें मिल सके। इसका नतीजा यह है कि ज्यादातर लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं और चिंता की बात तो ये है कि कई लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है कि उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में लगभग 1 बिलियन लोगों के खून में विटामिन डी की कमी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें इसकी कमी का खतरा थोड़ा ज्यादा है, जिनकी स्किन का कलर डार्क हो, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो, अगर आपका वजन जरूरत से ज्यादा है, अगर आपकी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट की कमी है, जिनको किडनी या लिवर से जुड़ी परेशानी हो। हमारा शरीर किसी भी मिनरल की कमी होने पर कुछ वार्निंग साइंस देता है। विटामिन डी की कमी के साइंस बहुत हल्के होते हैं, जिन्हें आप कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए आपको बताते हैं विटामिन डी की कमी के कारण आपके शरीर में नजर आने वाले लक्षण। हड्डियों और कमर में दर्द। हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम जरूरी है, लेकिन कैल्शियम शरीर में तब तक अब्सॉर्ब नहीं होगा जब तक विटामिन डी ना हो। विटामिन डी की कमी से बोन मिनरल डेंसिटी कम होने लगती है। यही वजह है कि अगर आपको हड्डियों या कमर में दर्द हो रहा है तो विटामिन डी टेस्ट जरूर करवा लें। कमजोर मसल्स। वेस्टर्न जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च में पाया गया है कि विटामिन डी की कमी से जूझ रहे लोगों में मसल वीकनेस एक आम समस्या है, लेकिन राहत की बात यह है कि विटामिन डी का इंटेक बढ़ाकर इस परेशानी को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा शरीर में विटामिन डी की कमी बढ़ने पर आपकी मसल्स में दर्द की समस्या भी हो सकती है। थकान और कमजोरी। नॉर्थ अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस में छपी एक स्टडी के दौरान 77% से ज्यादा लोग जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी पाई गई, उनका कहना था कि उन्हें अक्सर थकान और कमजोरी महसूस होती है। कुछ रिसर्च से ये भी पता चला है कि अपनी डाइट में विटामिन डी की मात्रा बढ़ाने से इस परेशानी को कम किया जा सकता है। मूड चेंजेस। रिसर्च से पता चला है कि अगर आप हर वक्त डिप्रेसिव मूड में रहते हैं तो ये भी विटामिन डी की कमी का एक संकेत हो सकता है। जर्नल ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर में छपी एक स्टडी में डिप्रेशन और विटामिन डी की कमी के बीच कनेक्शन पाया गया है। न्यूट्रिएंट्स नाम के जर्नल में छपी एक दूसरी स्टडी में पाया गया कि अगर शुरुआती डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्ति को विटामिन डी दिया जाए तो इसके पॉजिटिव नतीजे मिल सकते हैं। तो अगर आपको भी इनमें से कोई सिम्टम नजर आ रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और जरूरी टेस्ट करवाएं।